सभी का एसेंट की जीके चैनल पर तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में यानी भाग 31 में अब तक फिजिकल एजुकेशन के 824 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप फिजिकल एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देख सकते हैं। आइए हम और आप मिल करके ये जो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत यानी फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास करें, ठीक है ना। और इसके द्वारा ये भी पता चलेगा कि अब तक हमारी तैयारी कैसी है, क्योंकि हमने केवल इसमें क्वेश्चन लिखा है। अब आपको बताना है, आपको चेक करना है कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 825 से शुरुआत करते हैं। ठीक, एक बेंच से फर्श पर कूदना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक बेंच से फर्श पर कूदना तथा तुरंत वापस बेंच पर आना, ये किस प्रकार के भार को दर्शाता है, ठीक है ना। अब इसका उत्तर बताना है आप सभी को, ठीक है। ये क्वेश्चन केवीएस टीजीटी 2015 में पूछा गया था। ठीक, तो एक बेंच से फर्श पर कूदना तथा तुरंत वापस बेंच पर आना, ये किस प्रकार के भार को दर्शाता है। सही उत्तर, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण, ये प्लायोमेट्रिक्स प्रशिक्षण को दर्शाता है, ठीक है ना। प्लायोमेट्रिक्स प्रशिक्षण के द्वारा विस्फोटक शक्ति को बढ़ाई जा सकती है। चलिए प्रश्न नंबर 826, किस प्रशिक्षण है ना, ट्रेनिंग का नाम बताना है। किस प्रशिक्षण विधि से ताकत और विस्फोटक शक्ति बढ़ाई जा सकती है, ऐसे प्रशिक्षण विधि का नाम बताइए जिससे ताकत और विस्फोटक शक्ति को बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर बताना है, वो कौन सी प्रशिक्षण विधि होगी। सही उत्तर, प्लायो मैट्रिक्स, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, है ना। प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि से ताकत और विस्फोटक शक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इसी से संबंधित प्रश्न आना भी है, ठीक है ना। तो इस पर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, उन तमाम प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस ठीक है, आपने पढ़ा है, तैयारी किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ अपने आप को चेक भी करते चलिए कि क्या इसका उत्तर क्लियर है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 827, पावर ऑन एक्सप्लोसिव किस प्रशिक्षण से संबंधित है। पावर ऑन एक्सप्लोसिव किस प्रशिक्षण से संबंधित है। पावर ऑन एक्सप्लोसिव का मतलब विस्फोटक शक्ति किस प्रशिक्षण से संबंधित है। यह है क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो इसका भी उत्तर प्लायो मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये प्लायो मैट्रिक ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण से संबंधित है। तो देखिए तीन चार तरीके से प्रश्न हो गया, और भी जितने तरीके से प्रश्न बनेगा उन तमाम प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और एक सीक्वेंस वाइज टीजीटी के अंतर्गत जितने भी आने वाले प्रश्न है उसको सिलेबस वाइज हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 828, विस्फोटक शक्ति बढ़ाया जा सकता है। विस्फोटक शक्ति किस प्रशिक्षण से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। इसका उत्तर क्या होगा ये भी आप जवाब दीजिए। विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने का एक प्रकार का प्रशिक्षण बताइए जिसके माध्यम से विस्फोटक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन केवीएस टीजीटी 2017 में पूछा गया था। तो देखिएगा क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा घुमा करके वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका भी उत्तर क्या होगा, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, ठीक है ना। चलिए
अब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होगी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 829, ठीक है ना। सतत प्रशिक्षण या इसको कह सकते हैं लगातार प्रशिक्षण, सतत प्रशिक्षण या लगातार प्रशिक्षण, मतलब एक ऐसा प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग बिना रुके लगातार करते हैं, यानी उसमें आराम की कम संभावना होती है। सतत प्रशिक्षण विधि की संकल्पना या परिकल्पना किसने किया था ये बताना है। सतत प्रशिक्षण विधि की संकल्पना किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था ये बताना है, ठीक है ना। सही उत्तर क्या होगा आप भी बता सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है केवीएस टीजीटी 2015 में पूछा गया था। सतत प्रशिक्षण या इसको कह लीजिए लगातार प्रशिक्षण, लगातार प्रशिक्षण की विधि के जन्मदाता कौन है, तो डॉक्टर डॉक्टर अर्नेस्ट आकेन, इनका नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट आकेन, ठीक है ना। सतत प्रशिक्षण विधि की संकल्पना डॉक्टर अर्नेस्ट आकेन ने किया था और ये जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है ना। इस प्रशिक्षण विधि में लगातार प्रशिक्षण किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 830, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग को और किस नाम से जाना जाता है ना। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का दूसरा नाम बता दीजिए, तो इसे जंप ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 831, मोटर घटक स्ट्रेंथ है ना, मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए आवश्यक प्रशिक्षण विधि, मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए कौन सी प्रशिक्षण विधि सबसे उपयोगी मानी जाती है, ठीक है ना। तो इसका जवाब दे रहा है आपको, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्लायोमेट्रिक्स प्रशिक्षण, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 832, किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग, किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा गया है, ये भी क्वेश्चन राजस्थान पीटीआई ग्रेड थर्ड में 2013 में पूछा गया था कि किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। देखिए इस काल में खेलों पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया था, किस काल पे शारीरिक शिक्षा के स्वर्ण युग को क्या कहा गया, क्योंकि इस काल में जो इसका उत्तर होगा उस काल में खेलों पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया था। उत्तर आपकी तरफ से दिया चाहिए, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर एथेंस काल, ठीक है, उत्तर एथेंस काल, ठीक, उत्तर एथेंस काल में स्वर्ण युग, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा गया, क्योंकि इस युग में इस काल में जो है खेलों पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। चलिए प्रश्न नंबर 833, भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत किस वर्ष हुई, भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत किस वर्ष हुई, बहुत जल्दीबाजी ना करें, इसको याद करिए, पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आपने खूब पढ़ा है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है, इन प्रश्नों का जवाब दीजिए अगर ज्ञानी है। मेरे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है ना, इसको नोट करिए और याद करने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन छोड़ के पढ़ेंगे, फिर शारीरिक शिक्षा में आप पढ़ेंगे क्या आप बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत किस वर्ष हुई बताइए ना, किस वर्ष हुई। चलिए सही उत्तर 1882, कहने का मतलब है कि आप जानते भी नहीं हो और मानते भी नहीं है, कॉन्फिडेंस ठीक है भाई साहब, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। हमारे उत्तर आने से पहले वीडियो को रोक दीजिए, रोकने के बाद इनका सबका जवाब दीजिए, सबका जवाब दे पाते हो तो इस वीडियो को मत देखिएगा, ठीक है ना, और नहीं दे पाते हो तो इसको नोट करते रहिए, ठीक है, बहानेबाजी छोड़ दीजिए। भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत कब की गई, 1882 में। ये क्वेश्चन राजस्थान 2013 में पूछा गया था, फर्जी प्रश्न भी नहीं है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, और भी इसके बारे में जानकारी कर लीजिए। इस आयोग की शुरुआत
ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में की गई थी। इसे हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 834, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है, भारत के किस कोने में है? चलिए उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से। अब ये ना कहिए कि ऑप्शन होता तो हम बता देते, टू द पॉइंट याद करिए, ऑप्शंस का सहारा छोड़ दीजिए, ठीक है ना, अपने आप को बचाइए नहीं, क्लियर नहीं है आपका? इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन व खेल विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है, भारत के किस राज्य में है? नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली। नोट कर लीजिएगा, जगह कम है, आप लोग बहुत समझदार है। ये क्वेश्चन राजस्थान 2013 में पूछा गया था, ठीक है ना। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान स्थित है। दिल्ली प्रशासन द्वारा इसकी स्थापना 3 अगस्त 1987 में की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। जब पढ़ने बैठिए तो पेन ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए, उसको नोट भी करते रहिए। आप अपने लिए 15 से 20 मिनट का टाइम निकाल दीजिए, 15 से 20 मिनट। इस वीडियो में आपको 50 से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 835, प्रथम किंडरगार्टन पद्धति की स्थापना कब की गई? क्या ये क्वेश्चन नहीं आएगा? आएगा क्यों नहीं, कई बार आप पढ़ चुके हो, बताओ ना कि प्रथम किंडरगार्टन पद्धति की स्थापना किस वर्ष की गई, ये बताओ आप, कहां पर की गई ये भी बताओ। बहुत पढ़े हो ना तो बताओ ना, अगर नहीं बता पा रहे तो इसको नोट करो, ठीक है। प्रथम किंडरगार्टन पद्धति की स्थापना कब की गई ये बताना है, तो जल्दी बताइए। देखिए प्रथम किंडरगार्टन पद्धति की स्थापना 1837 में कब की गई, 1837 में, इसको नोट कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना। कहां पर की गई, जर्मनी में की गई। किसके द्वारा की गई, फ्रोबेल के द्वारा की गई, फ्रेडरिक फ्रोबेल, ये नाम है फ्रोबेल का पूरा नाम, फ्रोबेल को रट लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, इनको आना ही आना है। प्रथम किंडरगार्टन पद्धति की स्थापना 1837 में हुई, जर्मनी में हुई, किसके द्वारा हुई, फ्रोबेल के द्वारा हुई। एक प्रश्न में 3 प्रश्न बन रहे, कब हुई, 1837 में, कहां पर हुई, जर्मनी में, किसके द्वारा हुई, फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। एक पॉइंट में 3 प्रश्न बन रहे, बताइए इनको याद रखिए। ये क्वेश्चन राजस्थान 2013 में पूछा गया था, फर्जी क्वेश्चन है कि नहीं, इनको कैसे छोड़ सकते हैं आप। चलिए प्रश्न नंबर 836, मांसपेशियों के समूह में इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करने की विधि क्या कहलाती है, ऐसे क्वेश्चन सुन लीजिए। मांसपेशियों के समूह में इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करने की जो विधि होती है वो किस विधि से रिकॉर्ड की जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोमायोग्राफी। क्या होगा, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है ना। ये हो गया पॉइंट, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक क्वेश्चन झारखंड पीजीटी 2016 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 837, लंबी कूद या खड़ी कूद शक्ति का मापन किया जा सकता है, क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। लंबी कूद या खड़ी कूद के माध्यम से किस प्रकार की शक्ति का मापन किया जा सकता है, ये क्वेश्चन राजस्थान बीटीआई ग्रेड सेकेंड एंड थर्ड 2011 में पूछा गया था कि लंबी कूद या खड़ी कूद के माध्यम से किस प्रकार की शक्ति का मापन किया जा सकता है, तो सही उत्तर क्या होगा, विस्फोटक शक्ति, विस्फोटक शक्ति का मापन किया जा सकता है। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 838 की तरफ, जी हाँ सतर्क रहिए, तैयार हो जाइए। गामक कौशल सीखने की सबसे उत्तम विधि बताइए, गामक कौशल सीखने की सबसे उत्तम
विधि बताइए, सबसे अच्छा तरीका क्या है सुधार करने का? सबसे अच्छा तरीका है अभ्यास, प्रैक्टिस, है ना। अगर आप किसी चीज में परफेक्ट होना चाहते हैं, किसी चीज में आप स्किलफुल होना चाहते हैं, तो उसके लिए करना क्या होगा? अभ्यास। अभ्यास से ही परिपक्वता आती है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? अभ्यास, है ना, करत अभ्यास से जड़मत हो सुजा, यानी अभ्यास के माध्यम से कितना भी बुद्धिहीन व्यक्ति हो, कोई चीज आपको नहीं याद हो रही है, आप उस चीज को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दस बार पढ़िए, याद हो जाएगा, आप परफेक्ट हो जाएंगे। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, अभ्यास करना छोड़ दे, ठीक है ना, मूर्ख हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करिए। हर किसी को याद होता है, कोई एक बार पढ़ता याद हो जाता है, कोई किसी किसी को दो बार पढ़ना पड़ता है। अगर आपने समझ लिया अपने आप को कि हम पांच बार पढ़ेंगे तब याद होगा, तो पांच बार पढ़िए ना, किसने मना किया है, ठीक है ना। तो रामक कौशल है ना, सीखने की सबसे उत्तम विधि क्या है? अभ्यास। किसी चीज में अगर आपको परफेक्ट होना है तो प्लीज डू एक्सरसाइज, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 849, JCR परीक्षण में शामिल है, JCR परीक्षण में क्या क्या शामिल है? ये क्वेश्चन PGD 2011 में पूछा गया था और फिर आने की संभावना है, इसलिए इसको एक बार देख लेना, बहुत जरूरी है। देखिए JCR परीक्षण में होता क्या है कि इस परीक्षण में सामान्य मोटर कौशल का परीक्षण किया जाता है। JCR परीक्षण में होता क्या, सामान्य मोटर कौशल का परीक्षण किया जाता है, और इसके अंतर्गत सर्जेंट जंप, ठीक है ना, सर्जेंट जंप, और इसके अलावा चाइनिंग एंड सटल रन शामिल है, ठीक है ना। तो JCR परीक्षण में सामान्य मोटर कौशल का परीक्षण किया जाता है, जिसके अंतर्गत सर्जेंट जंप, चाइनिंग जंप और सटल रन शामिल है। चलिए प्रश्न नंबर 840 की तरफ बढ़ते हुए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लचीलापन बढ़ाने का सबसे अच्छा प्रशिक्षण कौन सा है? किस प्रशिक्षण के माध्यम से लचीलापन को बढ़ाया जा सकता है? ये क्वेश्चन राजस्थान 2011 में पूछा गया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वैलास्टिक प्रशिक्षण, ठीक है ना। वैलास्टिक प्रशिक्षण से लचीलापन को बढ़ाया जा सकता है, इसी आंसर को सही माना गया था, तो ध्यान रखिएगा, ये भी हो गया। प्रश्न नंबर 841, लिम्बरिंग डाउन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लिम्बरिंग डाउन को कहा जाता है या लिम्बरिंग डाउन को और क्या कहते हैं? लिम्बरिंग डाउन को कूलिंग डाउन कहते हैं, क्या कहते हैं? कूलिंग डाउन भी कहते हैं, यानी ठंडा होना भी कहते हैं, और वार्मिंग अप नहीं, वार्मिंग डाउन भी कहते हैं, किसको? कूलिंग डाउन को, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 842 की तरफ, लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं? लिम्बरिंग डाउन कब किया जाता है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल के बाद, लिम्बरिंग डाउन खेल के बाद करते हैं या खेल के पश्चात करते हैं, यानी इसको कहते हैं ठंडा होना या शांत होना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लिम्बरिंग डाउन। ये क्वेश्चन राजस्थान 2011 में पूछा गया था, ठीक है ना। ये हो गया खेल प्रशिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यहां से 843 से प्रश्न शुरू हो रहा है, खेल मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र। अब हम आगे जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, जितने भी प्रश्न मिलेंगे, खेल मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और परीक्षा प्रयोगी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद टॉपिक वाइज जो टॉपिक छूट रहा है, उन तमाम चीजों को हम चर्चा करेंगे, बस लगातार आप लोग वीडियो देखते रहिए, ठीक है। चलिए खेल मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र का पहला प्रश्न, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक का नाम बताइए, यूनान के किसी एक प्रसिद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। उसमें पहला नाम आता है प्लेटो, क्या नाम आएगा? प्लेटो, ये यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। चलिए
और इनके बारे में। देखिए जो प्लेटो थे, प्लेटो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन यही परीक्षा में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पढ़े आप खूब हो लेकिन इन प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे पा रहे हो, कैसी पढ़ाई है आपकी, सतर्क हो जाइए। प्रश्न नंबर 844, प्लेटो का जन्म कब और कहां पर हुआ था, बताइए। खूब तैयारी किया आपने, इसीलिए मैंने केवल और केवल प्रश्न लिखा ताकि इससे पता चले कि हमारी औकात कितनी है, हम जानते कितनी कितना है। बोलते तो हम हैं बहुत कि हमने बहुत कुछ पढ़ा है, अरे तो बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। मेरे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, नहीं आता तो बैठ के नोट करो, ओवर कॉन्फिडेंस में रहना छोड़ दो, ठीक है ना। प्लेटो का जन्म कब हुआ था, कहां पर हुआ था, बताइए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो इनका जन्म 428 ईसा पूर्व, कब, 428 ईसा पूर्व, 428 ईसा पूर्व, वो भी एथेंस में हुआ था, ठीक है ना। पूरी दुनिया का आपका जन्म और स्थान नहीं पूछा जा रहा है, तो प्लेटो का तो जानो, आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ आता है आपको और इनका जन्म नहीं पता है, ठीक है ना। मानते भी नहीं हो और जानते भी नहीं हो तो गलतियां कर रहे हो। चलिए प्रश्न नंबर 845, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ये कथन किसका है। इस क्वेश्चन ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब ये भी क्वेश्चन अगर किसी का गलत हो जाए तो फिर व्यर्थ है उसका तैयारी करना। अब इस क्वेश्चन को कब कब पूछा गया हम आपको वो बता रहे हैं, अब तक कितनी बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004, टीजीटी 2005, टीजीटी 2009, झारखंड टीजीटी 2016, राजस्थान 2011 में पूछा जा चुका है, यानी 3, 4, 5, 6 बार ये पूछा जा चुका है और ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ये साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, ठीक है ना। ये किसका कथन है, ये कथन अरस्तु का है, किसका है, अरस्तु का है। और एक और नाम है, इनको भी ध्यान रखना होगा, थेल्स, थेल्स का भी है। अगर अरस्तु ऑप्शंस में नहीं है तो आप थेल्स पर टिक करिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया और इनको भी सही माना गया है, इसीलिए सतर्क रहिएगा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 846, आदर्श दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आदर्श दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है सत्यता को पहचानना, सुंदरता और अच्छाई को तलाशना, ये है मुख्य उद्देश्य आदर्श दर्शन का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 847, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, चार ऑप्शन मिलते हैं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, अभ्यास, केवल अभ्यास। किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है, ये कथन किसका है, ये कथन दो लोगों का है, अरस्तु का भी है और प्लेटो का भी है। चलिए जवाब दीजिए, खूब तैयारी किया है आपने, अभ्यास कर लीजिए, यहीं से आना है क्वेश्चन 848, अभी नहीं तो कभी नहीं। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किस वाद के तहत, है ना, किस वाद के तहत होता है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास यानी सोचने समझने, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किस वाद के तहत होता है। उत्तर होगा आदर्शवाद, किस वाद के तहत, आदर्शवाद के तहत। ये क्वेश्चन राजस्थान 2013 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 849, 849 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना, धीरे धीरे 1000 पर पहुंच जाएंगे, 1500 पर पहुंच जाएंगे, छोड़ेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 849, आदर्शवाद आधारित है, किस पर आधारित है, ये क्वेश्चन राजस्थान 2013 में पूछा गया था।
आदर्शवाद किस पर आधारित है? तो आदर्शवाद विचारों पर आधारित है। अब आप ये ना कहिए कि ऑप्शन होता तो बता देते, बताइए, कोशिश करिए। प्रश्न नंबर 850, आदर्शवाद का जन्मदाता किसे कहते हैं? किसको आदर्शवाद का जन्मदाता माना गया? ये क्वेश्चन राजस्थान पीटीआई ग्रेड थर्ड में 2011 में पूछा गया था, जल्दी बताइए। प्लेटो ऑप्शन में होंगे, प्लेटो, रूसो, है ना, और थैलस, फांडाई, पावलोव, सब ऑप्शंस में होंगे, ठीक है। लेकिन याद होना चाहिए आपको प्लेटो, ठीक है। प्लेटो के द्वारा रचित रिपब्लिक, जो रिपब्लिक पुस्तक है वो किसके द्वारा रचित है? वो प्लेटो के द्वारा रचित है। इसके अलावा द लॉज, द लॉज ये भी प्लेटो के द्वारा रचित पुस्तक है। द स्टेटस मैन ये भी प्लेटो के द्वारा रचित पुस्तक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 851, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 851 प्रश्न नंबर है, देखिएगा। प्रति उत्तर का मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है ना। प्रति उत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है, प्रति उत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है, ठीक है ना, वो होता है ऐच्छिक होता है कि अनैच्छिक होता है? तो ऐच्छिक नहीं होता है, वो होता है अनैच्छिक। यहां पे लिख देते हैं अनैच्छिक, ठीक है ना। जो प्रत्युत्तर होता है या होता है अनैच्छिक या फिर प्राकृतिक होता है ना। इसकी खोज यानी प्रत्युत्तर जो सिद्धांत है इसकी खोज इवान पावलोव ने किया था, ठीक है ना। तो ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।